Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are going to see the question answers of chapter the last lesson. तो जो the last lesson chapter है काफ़ी important chapter है, इसके question answers देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जो important questions हैं उनको अच्छी तरह से देखने वाले हैं. तो let's start now without wasting time. तो आइए start करते हैं, देखते हैं क्या है. तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है ये है, हु वॉज रीडिंग बुलेटिन बोर्ड. हु वॉज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड लास्ट लेसन का चैप्टर है. इसमें ये कहा गया कि रीडिंग कौन कर रहा था बुलेटिन बोर्ड को. जो बुलेटिन है, बुलेटिन कहा जाता है न्यूज़ को. तो इसमें जो न्यूज़ को रीड कर रहे थे वो MML नहीं कर रहे थे, कमांडर ऑफिस भी नहीं कर रहा था, लिटिल फ्रेंच भी नहीं कर रहा था. इसको जो रीड कर रहे थे वो थे ब्लैक स्मिथ. ओके, तो ब्लैक स्मिथ वॉज रीडिंग द बुलेटिन. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. द वर्ड्स वर, तो ये जो वर्ड्स थे, मतलब उसने ये कहा कि वॉट अ थंडर क्लैप. थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? जो बादल की गड़गड़ाहट होती है उनको कहा जाता है. मतलब जो व्यक्ति जिसकी आवाज़ एक एक एकदम से चौंक जाए उसको हम थंडर क्लैप बोलते हैं. तो वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये वर्ड्स मेरे लिए थंडर क्लैप के समान है. तो ये जो वर्ड्स थे, ये इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब सरप्राइजिंग और नाउम्मीदपूर्ण, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉट मैड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकी बिहेवियर. हम सब जानते हैं कि जो मिस्टर हैमल है उनका जो बिहेवियर है वो क्रैंकी बिहेवियर है, ठीक है. और तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से उनके बिहेवियर को लेकर, उनके रूलर को लेकर जो फ्रेंच है वो भूलने लगा. वो इस बात को लेकर कि इस आइडिया को कि डैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब जा रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, वो हमें नहीं पढ़ा पाएंगे, बस इसी आइडिया को सोच सोच के वो भूल रहा था. ये बात भुलाई जा रही थी कि वो एक क्रैंकी बिहेवियर के टीचर है, उनके पास में रूलर है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है. ये सब फ्रेंच भूलता चला जा रहा था, बस वो मिस कर रहा था अब किसको, टीचर को. विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू MML, कि वो कौन सी लैंग्वेज है MML के अनुसार जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मोस्ट लॉजिकल है. देखो, मोस्ट लॉजिकल का क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा जिसमें लॉजिक है, जो तर्कपूर्ण है, उसे कहा गया. तो विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू MML वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल, वो कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है. तो वाई वॉज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, कि जो नरेटर कौन है जो नरेट करेगा, और नरेट कौन कर रहा है? फ्रेंच, ठीक है, जो इसका एक कैरेक्टर भी है. तो जो नरेटर है वो स्केयर्ड क्यों है गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, मतलब उस सुबह स्कूल जाने को लेकर वो डरा हुआ है. क्यों डरा हुआ है? लेट्स सी. फ्रेंच टीचर हैड आस्क द स्टूडेंट, सॉरी, फ्रेंच टीचर, जो फ्रेंच के जो टीचर है, हाँ, तो आप देखिए, फ्रेंच टीचर हैड आस्क द स्टूडेंट, कि जो फ्रेंच का जो टीचर है, फ्रेंच बोल दो या फ्रेंच बोल दो, दोनों के टीचर है. फ्रेंच तो लैंग्वेज हो गए, फ्रेंच लड़के का नाम. तो फ्रेंच टीचर हैड आस्क द स्टूडेंट, कि उसने स्टूडेंट से कहा टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो क्या करें, प्रिपेयर करें लेसन पार्टिसिपल्स के ऊपर. बट ही न्यू नथिंग अबाउट देम, लेकिन वो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता उसे लेकर. मोर एवर ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और ऊपर से वो स्कूल के लिए लेट भी है. सो ही थॉट डैट ही वुड बी स्कॉल्डेड, तो उसने सोचा कि उसको स्कॉल्ड किया जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसको फटकारा जाएगा. एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए नरेटर वॉज स्केयर्ड, जो नरेटर है वो स्केयर्ड है ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन स्कूल जाने को लेकर वो डरा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसको पार्टिसिपल्स भी नहीं आते, ऊपर से वो स्कूल के लिए लेट भी हो गया है, तो उसे डांटा जाएगा, और इसी वजह से वो स्कूल जाने को लेकर डरा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल, सॉरी, व्हाट डिड फ्रेंच सी, कि फ्रेंच ने क्या देखा जब उसने टाउन हॉल को पास किया, अब टाउन हॉल से वो गुजरा. तो
तो देर वॉज अ बुलेटिन बोर्ड, कि वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है, कहाँ पर, एट द टाउन हॉल, एंड इट गेव पीपल न्यूज़, और ये क्या करता था, न्यूज़ देता था लोगों को, ठीक है, ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये क्या करता था, न्यूज़ देता था, इट गेव पीपल न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एटसेट्रा, मतलब कि लॉस्ट बैटल का लॉस्ट हो जाना या जो कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स है वो सब की जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है वो कौन दिया करता था, ये बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच सो अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, कि जो फ्रेंच है उसने देखा एक बड़ा सा क्राउड देखा इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़, कि वो क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे जो हाल ही में आई जो खबर है, जो लेटेस्ट खबर, जो नई नई खबर है उनको पढ़ने वालों की उसने भीड़ देखी किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है इसमें, कि हु वर द विलेज पीपल, हाउ डिड दे लुक, कि विलेज पीपल कौन थे और वो कैसे लग रहे थे। ओके, तो देखते हैं क्या है, कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, कि जो विलेज पीपल है वो सिटिंग थे, बैठे हुए थे क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस के ऊपर। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस वर ओल्ड होसर, एक तो था ओल्ड होसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, दे वर लुकिंग वेरी सैड, और वो सब के सब क्या दिख रहे थे, सैड दिख रहे थे, अपॉन नोइंग अबाउट द जर्मन ऑर्डर, जब उन्हें पता चला, जानकर, सैड अपॉन का मतलब जानकर, किसको लेकर, जर्मन ऑर्डर को, जर्मन ऑर्डर को जानकर वो सब सैड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई डिड मिस्टर हैमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि जो एम हैमल है वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये उनका लास्ट लेसन है, तो मिस्टर हैमल सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि एम हैमल ने कहा कि ये उनका लास्ट लेसन है। यस, तो वाई डिड मिस्टर हैमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि जो एम हैमल है वो क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है, तो देखिए क्या क्यों कहा उन्होंने, एम एम एल सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, एम एम एल ने कहा कि ये उनका लास्ट लेसन है, बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि जो ऑर्डर है वो आ गया कहाँ से, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि टीच किया जाए, क्या टीच किया जाए, जर्मन टीच किया जाए इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस, कि जो एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स है वहाँ पे जर्मन ही सिखाए जाए, एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और इसी वजह से ये उनका क्या था, लास्ट लेसन है फ्रेंच में। द न्यू मास्टर कैम द नेक्स्ट डे, और जो नए मास्टर है वो कब से आएंगे, कल से आएंगे, नेक्स्ट डे से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज बुक्स एंड एम हैमल चेंज्ड, देख लेते हैं कैसे है, कि जो हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड, कि जो फ्रेंच का एटीट्यूड है टूवर्ड्स हिज बुक्स, उसकी बुक्स को लेकर और एम एम एल है वो कैसे चेंज हुआ, एम एम एल को लेकर, उनकी बुक्स को लेकर वो कैसे चेंज हुआ, तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। फॉर्मली फ्रेंच डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर केयरफुली, अगर मैं फॉर्मली बात करूँ, पहले की बात करूँ, तो फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं सुनता था टीचर को केयरफुली, बट नाउ ही लिसन टू हिम क्वाइट अटेंटिवली, लेकिन अब वो उन्हें लिसन कर रहा है बड़े ही अटेंटिव के साथ में, बड़े अटेंशन के साथ में, अटेंटिवली वो उन्हें ध्यान दे रहा है। हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज, उसकी जो रिस्पेक्ट है टीचर के लिए वो इंक्रीज हो चुकी है। ही बिगैन टू लव हिज बुक्स, उसने बुक्स को लव करना भी शुरू कर दिया है। द बुक्स डैट सीम्स टू हिम टू हैवी एंड न्यूसेंस अ वाइल अगो, वो बुक जो उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी कुछ समय पहले, वर हिज पास्ट फ्रेंड्स नाउ, अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो चुकी है, उसके काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हो चुकी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इसमें। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, वॉट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो एम हैमल है उन्होंने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर उन्होंने क्या बात कही, ये देखते हैं। देखो, एम हैमल इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज,
कि जो MML है वो ग्रेट लवर है किसके, हिज लैंग्वेज के, मतलब अपनी लैंग्वेज को लेकर वो काफ़ी बड़े लवर है, काफ़ी प्रेम करते हैं, काफ़ी स्नेह करते हैं अपने लैंग्वेज से। हिज प्रेज फॉर हिज मदर टंग शोज हिज ग्रेट लव फॉर फ्रेंच, और उनकी जो प्रेज है, उनकी जो प्रशंसा है अपनी मदर टंग को लेकर, अपनी मातृभाषा को लेकर, वो बताती है कि वो बड़े बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा लव करते हैं फ्रेंच को। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि वो उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रेंच है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, एंड इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और उन्होंने आगे ये बताया कि सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, किसने कहा, MML ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि हाउ डिड मिस्टर एमएल बिड फॉरवेल टू हिज स्कूल, कि जो MML है उन्होंने कैसे गुड बाय बोला, कैसे विदाई दी अपने स्कूल को, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग क्लास, देखो क्या कह रहे हैं कि कैसे फेयरवेल का, कि जब डिसमिस कर रहे थे वो क्लास को, क्लास ख़त्म हो रही थी उस समय, मिस्टर हेमल डिड नॉट से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स, कि MML ने कुछ भी नहीं कहा किसको, स्टूडेंट्स को, बिकॉज ही गॉट इमोशनल, क्योंकि वो क्या हो गए थे, इमोशनल हो गए। ही जस्ट लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने सिर्फ अपना जो सिर है वो दीवार के सहारे झुकाया, दीवार की तरफ झुकाया, एंड विदाउट अ वर्ड मेड अ गेस्चर, और बिना किसी वर्ड के उन्होंने इशारे से, गेस्चर से, अपने हाथ के इशारे से कहा, क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस्ड हो चुकी है और तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ये उन्होंने कहा। ओके, तो अब हम 125 वर्ड्स वाले देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसमें से जो हम देखेंगे सबसे पहले वो देखेंगे कैरेक्टर स्केच, और वो भी MML का, क्योंकि कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, तो कैरेक्टर स्केच हम देख लेते हैं क्या है। तो व्हाट आइडियाज़ ऑफ मिस्टर हैमल्स कैरेक्टर डू यू फॉर्म आफ्टर रीडिंग द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन को पढ़ने के बाद में आप MML के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, तो देख लेते हैं। MML इज़ अ टीचर इन एल्सेस, कि जो MML है वो टीचर है, कहाँ पर, एल्सेस में। ही टीचिस फ्रेंच, और वो क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब गुण, या जो कहने का मतलब उनका जो बिहेवियर के जो गुण है वो उनके कैरेक्टर में हम देख सकते हैं, और क्या क्या है देखते हैं। ट्रू डेवोटेड टीचर ऑफ फ्रेंच, पहली बात तो पहला ही हम ये याद रखेंगे वो किस प्रकार के टीचर हैं, ट्रू डेवोटेड टीचर ऑफ फ्रेंच, कि कहने का मतलब एक सच्चे डेवोटेड टीचर है फ्रेंच के। ऑन द लास्ट डे ही प्रेजेस द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब जब लास्ट दिन था तो वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। ही सेज दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सेकेंड, फैथफुल टू ड्यूटी, ओके, कि वो फैथफुल थे किसको लेकर, ड्यूटी को लेकर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लिविंग द प्लेस, कि मतलब यहाँ तक कि जब लास्ट दिन था अपने प्लेस को छोड़ने का, उस दिन भी ही टीचेस द स्टूडेंट सिंसियरली, उन्होंने टीच किया स्टूडेंट्स को सिंसियरली। ही रीचेज अप टू द लास्ट मोमेंट, और यहाँ तक कि वो लास्ट मोमेंट तक रीच करते हैं, वो लास्ट मोमेंट तक जाते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, देखिए क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रिक्ट का मतलब उन जो सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे, डिसिप्लिनरियन थे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ही लैक्स डिसिप्लिन एंड बिलीव्स इन कॉर्पोरल पनिशमेंट, वो उनको डिसिप्लिन पसंद था और वो बिलीव करते थे कॉर्पोरल पनिशमेंट में। कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक दंड, कहने का मतलब वो टीचर शारीरिक दंड में विश्वास रखते थे। ही कीप्स एन आयरन रूलर विथ हिम, और अपने साथ में वो हमेशा से क्या रखा करते थे, एक आयरन रूलर रखा करते थे। नेक्स्ट, सेंटिमेंटल, भावुक। ऑन द लास्ट डे व्हेन इट इज़ टाइम टू क्लोज द स्कूल,
कि मतलब जब लास्ट डे था और स्कूल क्लोज करने का दिन था, उस दिन की बात है। ऑन द लास्ट डे व्हेन इट इज टाइम टू क्लोज द स्कूल ही स्टैंड अप टू से समथिंग ही कैन स्पीक नथिंग ही बिकम्स इमोशनल। कि मतलब लास्ट दिन था जब वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए और वो इमोशनल हो गए थे। पेट्रोइट, पेट्रोइट यानी देशभक्त। ही इज़ अ ट्रू पेट्रोइट, वो एक सच्चे पेट्रोइट थे। ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो प्रशंसा करें, उन्होंने प्रशंसा की किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज की। ही स्कोल्ड्स द स्टूडेंट फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, और वो स्कोल्ड किया करते थे स्टूडेंट्स को, वो डांटा करते थे स्टूडेंट्स को फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, किस लिए, फ्रेंच लर्न न करने के लिए। ही सेज दैट, और वो कहते थे दैट जर्मन विल मेक फन ऑफ देम, कि जो जर्मन्स है, जो जर्मन के लोग हैं, वो मजाक उड़ाएंगे किनका, उनका, बिकॉज दे डोंट नो फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच जानते ही नहीं हैं। एंड ही राइट्स विवा ला फ्रेंच, और वो हमेशा क्या लिखा करते थे, विवा ला फ्रेंच, विवा ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, तो विवा ला फ्रांस का क्या मीनिंग है, लॉन्ग लिव फ्रांस। लवर ऑफ नेचर, वो नेचर के काफ़ी लवर थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लवर ऑफ नेचर, ही लव्स नेचर, वो नेचर को बड़ा लव क्या करते थे। ही हैज ग्रोन अ गार्डन इन द कैंपस ऑफ द स्कूल, और उन्होंने एक गार्डन ग्रो कर लिया था, उगा लिया था, कहाँ पर, स्कूल के कैंपस में। इन दिस वे इज़ अ मैन ऑफ एक्सलेंट कैरेक्टर, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक एक्सलेंट कैरेक्टर के मैन थे, पर्सन थे। ओके, नाउ यू हैव गॉट इट, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, आई होप सो।